हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैसी टैरेट। देखते हैं कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं। तो अपने अपने पर्सन को याद कर लें, उनका नाम मन में ले लें ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो सकें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सेवन ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा में है, फोर ऑफ कप्स की ऊर्जा में है, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर फोर की एनर्जी यहाँ पर आज के दोपहर की रीडिंग में भी आई हुई थी और अगेन यहाँ पर आई हुई है। तो फोर फोर नंबर आप लोगों के लिए कुछ साइन हो सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। सिक्स द लवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड, साथ ही साथ मैजिशियन, ये कार्ड भी आया हुआ था। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन कुछ हर्डल्स, कुछ प्रॉब्लम, कुछ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों का सामना कर रहे हैं। हो सकता हो वो लोग जो हैं यहाँ पर आपके पर्सन को परेशान करने की कोशिश कर रहे हों, या कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ दे रहे हैं जिसके वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार ये मैं नहीं हैंडल कर पाऊँगी या नहीं हैंडल कर पाऊँगा। तो ये सिचुएशन ये है कि यहाँ पर आपके पर्सन की जो हेल्दी बाउंड्री है वो टूट चुकी है पूरी तरीके से, और उन पर अट्रैक्ट किया जा रहा है, कि परेशान किया जा रहा है, और आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं उन सिचुएशन से जो उनके आसपास के लोग हैं, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो जो हावी हो रही हैं उनके ऊपर, और आपके पर्सन भी हावी हो जा रहे हैं उन सिचुएशंस के ऊपर। ठीक है, मतलब ले रहे हैं उनको। इसी के लिए आपके पर्सन यहाँ पर फ़िलहाल के लिए उनका मूड बहुत अपसेट है इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। आपको याद भी कर रहे हैं, अपने मटेरियल लाइफ के बारे में भी सोच रहे हैं, अपने सिचुएशन को इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि उन्हें एक बड़ी क्लैरिटी मिल सके और आपके साथ यहाँ पर रीयूनियन हो सके, अपने सिचुएशन को पूरा कर सकें ताकि आप और वो एक हो सकें। ब्यूटीफुल ना, कितना प्यारा लग रहा है। यस, यहाँ पर आपके पर्सन डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त। करंट सिचुएशन जो है आपके पर्सन की मिसिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, बहुत याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरा मेरे पर्सन के साथ मेरे यूनियन जल्दी से जल्दी हो जाए। ये जो चीज़ें, ये जो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में चल रही हैं वो फाइनेंस की है, जॉब की है, करियर जो भी है वो ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। ये जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी छट जाए, ख़त्म हो जाए, मुझे क्लियर पिक्चर मेरे सामने आए, क्लैरिटी मिले, जो भी मेरे आसपास असमंजस में चीज़ें फंसी हुई हैं वो ख़त्म हो और मेरी सिचुएशन इम्प्रूव हो, ठीक हो, ताकि मैं आगे बढ़ूँ, अपनी चीज़ों को क्लियर करूँ, एक हेल्दी बाउंड्री सेट करूँ, अपने मटेरियल लाइफ को सेट करूँ और अपने पर्सन को मैं और मेरा पर्सन एक हो जाए, हमारे बीच में सब ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं वो बहुत पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि मेरी जो भी सिचुएशन रह गई हैं, कोई कमियाँ रह गई हैं या जो मैं नहीं कर पा रही हूँ वो मैं करूँ, कुछ नया ट्राई करूँ जिससे मुझे रिज़ल्ट मिल सके और मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल सके, पॉजिटिव आउटकम आ सके। तो ये भी कुछ आपकी पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे कुछ टिकड़ा लगाना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा जिससे मैं इन रिस्ट्रिक्शंस को हटाकर एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करूं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं फोर फोर की जो ऊर्जा है उसे हटाकर यहाँ पर मैं सिक्स ऑफ लवर्स और मजिशियन जो कि अपने आप में एक सक्सेसफुल पर्सन है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो हर चीज़ कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इसके बारे में सोच रहे हैं कि मुझे कुछ नया तिक्रम ट्राई करना चाहिए जिसके वजह से मैं अपने लाइफ में सक्सेस पाऊँ, अपने पर्सन के साथ रीयूनियन में आऊँ, कमिटमेंट में आऊँ, शादी में आऊँ, जो भी जैसा आपके सिचुएशन है उसमें आऊँ और हमारे बीच में सब ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाए और मुझे एक अच्छी क्लैरिटी मिल सके। तो ये है आपके पर्सन के कुछ करंट थॉट्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर बात हर किसी से रेजोनेट करे, जिससे जितना करना लीजिएगा बाकी छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।